चौतरा ब्लॉक प्रेजिडेंट कांग्रेस कमेटी कठुआ। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये सरकार की हमारी और ये जो एलजी प्रशासन की जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि हमारे लोगों पे हत्याचार किया जा रहा है। किस प्रकार हमारे लोगों पे पीला पंजा चलाया जा रहा है, उनका एक ही कसूर था कि उन्होंने वो अभी मान रहे हैं कि हमारी भूल कमल का फूल, ये कमल का फूल ही उनकी भूल थी। और मैं ये प्रशासन को समझाना चाहता हूँ कि जन विरोधी नीतियों को बंद करें, हमारे लोगों को तंग करना बंद करें, क्योंकि ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े मछलियों को पकड़ेंगे, लेकिन जो हमला असल में किया जा रहा है जमीनी स्तर पे, वो छोटे लोगों पे किया जा रहा है। छोटे लोगों से जमीनें छुड़ाई जा रही हैं, छोटे लोगों के जो प्लाट हैं वो निकाले जा रहे हैं। आप आज भी देखिए, निर्मल सिंह जी वहाँ पे जैसे थे वैसे ही हैं, कविंदर गुप्ता को देखिए जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन अगर छुड़ाई जा रही है तो छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे मकान गिराए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि अगर वाकई में आपकी मंशा ये है कि छोटे लोगों को सेव करना है, तो क्यों ना एक प्रशासन रिटर्न में आर्डर निकाल दे कि हम इन यहाँ तक दो कनाल के लोगों को नहीं छोड़ेंगे, जिनके पास चार कनाल जमीन है उसको नहीं छेड़ेंगे। क्यों प्रशासन सिर्फ बोलने पे ही तुला हुआ है, सिर्फ मुंह जवानी बोले जा रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन असल में जो इनकी मंशा है वो छोटे लोगों से ही जमीनें लेने की है। बड़े लोगों को छेड़ने की हिम्मत इस सरकार में ना है ना थी, क्योंकि ये तो बड़े लोगों का पिट्ठू बनके चले हुए हैं। आपने देखा होगा कि असल में इनका एक ही नारा है, यहाँ जमीनें तो जमीनें हटाना, सरकारी जमीन पे कब्जा हटाना तो एक बहाना है, असल में इन्होंने अडानी को ही यहाँ पे लाना है। यही इनका नारा है कि अडानी को लाके और बाहरी लोगों को यहाँ लाके जो है जमीनें बेची जाएंगी और हमारे लोगों से छीनी जाएंगी। हमारे लोगों को जो महाराजा हरि सिंह जी ने हमें जमीन दी थी, उस जमीन को छीन के ये बाहर के लोगों को बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेट आप सभी जानते हैं कि हमारे महाराजा जी ने खरीद के रखी हुई थी, उन्होंने ये जमीन खरीदी हुई है। यहाँ पे सरकारी जमीन का सवाल कहाँ से आता है कि सरकार की जमीन कहाँ से आ गई? ये जमीनें तो हमारे लोगों को दी गई थी, उनको बोने के लिए, उनको फसलें लेके खाने के लिए, कि हमारे लोग अपना जो है जिंदगी गुजर बसर कर सके। लेकिन ये लोग कहाँ से आ गए कि कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीनें हैं? ये सरकारी जमीनें नहीं, ये महाराजा हरि सिंह ने हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के बशिंदों को दी हुई है, और हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। अगर हमारे लोगों को तंग किया गया तो ये कांग्रेस पार्टी का ऐलान है कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी, चाहे वो हमें अपनी जम्मू कश्मीर में करना पड़े और चाहे हमें दिल्ली में जाके इसके लिए आंदोलन करना पड़े। हमारी कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए, जनता की भलाई के लिए हमेशा अग्रसर रहेगी आंदोलन करने के लिए, क्योंकि आज वो तमाम लीडर्स जो वोट लेने के लिए आते थे आज अपने घरों में छुपे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आज लोगों के साथ कौन खड़ा है, आज लोगों के बीच में कौन जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। आपने देखा किस प्रकार कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक राहुल गांधी जी जनता से मिलते हुए जा रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी हर जगह आप देखते हो कि जनता के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन घरों में छुपे हुए हैं। तो वो जो वोट लेने वाले थे वो आज घरों में छुप के बैठे हुए हैं। अंत में मैं फिर यही निवेदन करता हूँ एलजी प्रशासन से कि एक रिटर्न में आर्डर निकाला जाए और हमारे लोगों को सिक्योर किया जाए कि हमारे जो छोटे जिम्मेदार हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे घर बसाए हुए हैं जिन लोगों ने, उनको तंग नहीं किया जाएगा, अन्यथा आपका ये झूठ है, जनता विश्वास करने वाली नहीं है। जमीन को लेकर आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा चल रहा है कि जो स्टेट लैंड जमीन है वो वापस ली जा रही है लोगों से, ये कहकर कि वो जमीन जो है वो गवर्नमेंट की है। लेकिन सरकार से एक सवाल ये है कि अगर आप लोग ये कह रहे हो कि ये सरकारी जमीन है, जो 50-50 साल से लोग उसी जमीन के ऊपर रह रहे हैं, दो दो कमरे उन्होंने बनाए हैं या छोटी मोटी अपनी फसल वहां पर काट रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप ये चीज आज आपको दिखाई दे रही है तो आप आगे के लिए, पहली बात तो आपकी जो आपकी बात है वो मैच नहीं हो रही है। एलजी प्रशासन जो है, एलजी कुछ और कहते हैं, उनके बयान कुछ और होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कार्रवाई कुछ और कर रहे हैं। एलजी साहब कहते हैं कि हम पहले बड़ी मछलियों को देखेंगे, बड़ी मछलियों को हटाएंगे, उसके बाद छोटे जो लोग हैं हम उनको तंग नहीं करते हैं। लेकिन आप जब जमीनी स्तर पर देखते हो तो डिपार्टमेंट के जो एक्शन है, डिपार्टमेंट की कार्रवाई जो है वो कुछ और आपको दिखाई देती है। जनता का सवाल यही है कि जनता की क्या गलती है कि उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने आपको वोट दिए हैं, क्या ये गलती है? आज जम्मू कश्मीर की जो हालत इन्होंने कर दी है, डोगरास हम लोग प्राउडली कहते हैं कि वी आर डोगरास, लेकिन उन डोगरास को मैं कहती हूँ कि अपनी आंखें खोल लीजिए। अगर यही हालत रही तो आगे आपको यहाँ पर कोई जसरोटिया, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई ये जाति दिखने वाली नहीं है, आगे आपको यादव और पांडे ही दिखेंगे। ये जमीनें हमारी जमीनें हम लोगों से लेकर ये किसको देंगे? बाहरी जो दूसरी स्टेट से लोग आएंगे, दूसरी जगहों से जो लोग आएंगे, बड़े बड़े व्यापारी जो आएंगे,
उनको ये जमीनें दी जाएंगी और उनको हमारे ऊपर यहाँ पर हुकूमत करने को दी जाएगी। तो आगे वही लोग यहाँ पर हम पे रूल करेंगे, हम लोगों का कुछ नहीं है। तो सरकार, अगर सरकार ये समझती है कि उन्होंने ये सब चीजें करके या अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे पहाड़ों में क्या ढूंढने आ रहे हैं? मैं अपने बनी की बात करना चाहूंगी, हमारे बनी में कौन से बड़े बड़े व्यापारी हैं या हमारे बनी में कौन कौन सी इतनी 100-100 कनाल किसी के पास जगह है? वहां पर क्या ढूंढने यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं? वहां पर किसी के पास या तो 2 कमरे का कोई घर होगा या किसी के पास कोई 10 मरले या 1 कनाल की कोई जमीन होगी, उसमें ये लोग कौन सी चीजें ढूंढ रहे हैं या उसमें कौन सी स्टेट लैंड ढूंढ रहे हैं, उसको लेकर ये लोग क्या करने वाले हैं? ये चीजें अपने आप में सवाल। और लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज आज भी जाग जाइए, ये सरकार की जो ये नीतियां चल रही हैं ये लोगों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर हम हर चीज के 2 पहलू होते, इंडस्ट्रियल जो सेटअप की बात आप कर रहे हो, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि वो लोगों को रोजगार के लिए एक तरह से सही भी दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ बातें ही की जाती है। लेकिन आप इंडस्ट्रीज की, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 370 हटेगा तो आपको जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ रोजगार दिखेगा, इंडस्ट्रीज हो और इंडस्ट्रीज ही दिखेंगी। कितनी नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग गई। और अब अगर ये चीज इसके साथ ये लोग लगा रहे हैं कि अगर हम ये स्टेट लैंड को बोल के हम लोगों की जमीनें, लोगों से जमीनें वापस लेंगे और इंडस्ट्रीज देंगे, रोजगार देंगे, तो अभी तक कितना रोजगार उन्होंने लोगों को दे दिया। और उसके बाद इन्वायरमेंट की बात तो एक अलग से आ ही जाती है कि इन्वायरमेंट भी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है बहुत शांत होते हैं, बहुत इन्वायरमेंट को लेकर बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट वहां पर होता है, वो चीजें भी आप देखें। लेकिन अभी तक जो पुरानी, जो किसी को अगर सरकारी रोजगार किसी को लगता है, वो तो आप लोगों ने खत्म कर दिया। अब आप लोगों की जमीनें लेकर कौन सा रोजगार लोगों को देने की बात कर रहे हो? लोगों को जमीन को, जमीन को जोतने देते तो ये लोग जो है, ये जुमलेबाजी सरकार जो है सेंटर की और जम्मू कश्मीर में जो लोग बैठे हैं, ये जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं बातों से सरकार के आगे भी निवेदन करता हूँ कि जो जमीन लोगों के पास है, जिनके पास, जिनके 100-100 साल के 80-80 साल हो गया जिन लोगों ने अपनी जमीन को बात की हो, अगर आप चाहते हैं कि हम गरीबों के बड़े हमदर्द हैं, तो आप उन लोगों को मालिकाना दीजिए। जैसे एनसी की सरकार में प्रूफ सामने गरीबों को जमीन दी, जब कांग्रेस की सरकार बनी उन्हें रोशनी एक्ट के तहत उनका इंतकाल दर्ज कराए, उनको मालकाना दिया। आप बड़े हिम्मत चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम गरीबों के बहुत हमदर्द हैं, तो उनको जो उनको मालकाना जो है वो दिया जाए।